नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ इलेक्ट्रिक बोर्ड में। दोस्तों आज हम आपको 12 मॉडलर ये बोर्ड में कनेक्शन करना बताएंगे। ये देखिए तार भी है और ये आपके न्यूट्रल फेस इन्वर्टर के तार, और इसमें हम आज आपको कनेक्शन करना बताएंगे। देखिए ये आपका 16 एम्पियर का सॉकेट है, ये आपका 6 एम्पियर का सॉकेट स्विच है, आपका एक इंडिकेटर और ये 5 स्विच, 5 बल्बों का कनेक्शन आप करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस तरीके से ये दोनों तार आपके हैं इंडिकेटर के, तो एक न्यूट्रल में लगेगा, एक आपके इसमें फेस में लगेगा। इसका भी कनेक्शन करके बताएंगे, और आपका ये आपका इन्वर्टर वाला है, इसका भी कनेक्शन करके हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका इन्वर्टर का है और ये आपका न्यूट्रल है, ये नीला वाला न्यूट्रल है, और ये आपका फेस है लाइट का, और ये आपके जितने तार हैं ये वाले, ये सब आपके पॉइंट के तार हैं। तो पॉइंट वाले तारों को हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि जितने हम जिस बटन से जिसको हम करना चाहते हैं उसके एक एक में हम कनेक्शन इस तरीके से कर लेते हैं। ये देखिए हमने एक तार को इसमें ऐसे जोड़ दिया, इसी तरीके से हम सभी में फटाफट लगा लेंगे। ये देखिए हमने इसमें कर दिया कनेक्शन इस तरीके से, और एक एक करके हम सभी में इसी तरीके से कनेक्शन करते चले जाएंगे। कितनी भी स्विच लगी हो, 10, 20, 50, 100, चाहे जितना बड़ा बोर्ड हो, स्विच के नीचे वाले में ये तार को छील कर डालते हैं और इसी में हम इन्वर्टर का तार अभी लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया, और ये लास्ट तार इसको भी हमने इसमें जोड़ दिया। दोस्तों ये वीडियो को आप एक बार पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद आपको ये बोर्ड बनाना आप अच्छे तरीके से जान लेंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ पर, दोस्तों देखिए दोस्तों ये हमने तार को छील लिया यहाँ, और छील के नीचे डाल दिया, और इस तार को यहाँ से लगा कर ये स्विच के नीचे वाले में हमने इसको लगा दिया। तो ये वाला स्विच हमारा रहेगा इन्वर्टर से, जिसमें ये तार अभी हमने लगाया है, और ये वाला हमारा 16 एम्पियर का रहेगा लाइट से। तो लाइट से करने के लिए क्या करेंगे, ये जो लाइट का तार आया है इसको हम स्विच के नीचे वाले में लगाएंगे। दोस्तों एक बात आप ये जान लें अच्छी तरीके से कि जिस स्विच का हम कनेक्शन करेंगे और जिस चीज़ के लिए करेंगे, तो आपका इन्वर्टर वाला तार और फेस वाला तार नीचे लगता है, और आपका जो पॉइंट का तार होगा वो उसके ऊपर लगेगा। जैसे कि आप ये देखिए ये वाली स्विच इस सॉकेट के लिए, तो देखिए इसके ऊपर से तार लग के यहाँ लग गया, और ये वाली स्विच इस सॉकेट के लिए तो इससे ऊपर से लग के यहाँ लग गया इस तरीके से। अब आप ये देखिए ये आपके दोनों तार हैं, तो हम क्या करेंगे, एक तार को हम, ये देखिए इसी तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं, एक तार को ये जो लाइट वाला आया है उसके साथ में हम जोड़ कर ऐसे करके दोनों को अंदर कर देंगे, उसी में लगा देंगे। इन दोनों तारों को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये देखिए हमने दोनों को जोड़ लिया, और ये देखिए हमने इसी के स्विच के नीचे वाले में लगा दिया। तो एक ये हमारा इंडिकेटर का भी तार लग गया, एक इंडिकेटर का भी तार लग गया, और एक तार हमारा फेस वाला लाइट का लग गया, और अब एक इंडिकेटर का ये तार बचा, तो उसको हम न्यूट्रल के साथ देंगे। ये देखिए हमारा न्यूट्रल का वायर है जो हमारे बोर्ड में करंट आया है इसी से। अब इन तीनों तारों को हम एक आपस में जोड़ लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए मित्रों, ये देखिए हमने तीनों तारों को आपस में जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद हम ये सॉकेट के एक टर्मिनल पर इसको हम अच्छे से लगा देंगे। हाँ, तो ये देखिए एक तार आपका, ये इन्वर्टर वाला तार आपका ये बचा है। देखिए ये आपका इन्वर्टर का तार बचा है, ये वाला तार आपका इन्वर्टर का बचा है, ये आपका न्यूट्रल का तार लग गया, न्यूट्रल का बोर्ड में ये तार आया, इसके बाद यहाँ लग गया, इससे इसमें चला गया, और आपका इंडिकेटर में चलेगा। अब आपको बचा इन्वर्टर का तार, तो इन्वर्टर का तार हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये जम्पर पड़ा हुआ है, तार खुला हुआ छिला पड़ा है, उसी में स्विच के नीचे वाले में किसी में भी लगा देंगे, एक में चार जिसमें हम लगा दें। ये देखिए हमने इसको क्या किया, इसमें लगा दिया, इस वाले में हमने उसको ऐसे करके लगा दिया। अभी हमारा ये बोर्ड का कनेक्शन हो गया मित्रों। इसी तरीके से दोस्तों 16 एम्पियर और 16 एम्पियर के सॉकेट, और 16 एम्पियर का स्विच, 6 एम्पियर का स्विच, 6 एम्पियर के सॉकेट का कनेक्शन, और एक इंडिकेटर का कनेक्शन इस तरीके से करते हैं। इसमें चलिए हम आपको एक बात और बता दें कि आप ये देखिए जो इसमें ये इन्वर्टर का तार है, तो ये सब पूरा बोर्ड हमारा इतना यहाँ से लेके ये पूरा बोर्ड हमारा इन्वर्टर से चालू होगा, और ये आपका लाइट से चालू होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक लिए वीडियो को देखते रहें।